तेरे लोगों ने समय लगी आ मैनू मन मैं आ कर मैनू फलान कर। प्रभु ने कहा चोर तो की आ तेरे लोगों ने समय लगन डी आ भाई समझ लग रही। प्रभु ने आखा जिन्हें मेरे तो पहलो आए वो चोर तो कौन आ पर मेरिया भेडा ने उन्होंने आवाज न नहीं सुनिया। किन्ने लोग सुन रहे चलो कोई दस सकता चोर चोर तो डाकू किनू क्या गया। हालेलुया यहां वा आप संभाल तू मेरे कदमा नू ते मेरे वेरी गुड हालेलुया। मेरे भैन भरा गर्मी वाल देखो क्योंकि गर्मी आ ये सर्दी आ ये रजाई आ ये पखा वा चलता रहना क्योंकि जब तक बंदा जूंदा रहा गर्मी भी बड़ी लगती है जिंदे लगती ना गर्मी। तू सैड हो जा फिर इधर हूँ चालू है ना तेरा कैमरा बस सैड इस दूसरी पेन ला दो बंद हो गया लाइव इधर चल जाएगी चालू करता फिर हाँ इन दूजी पेन ला फिर वो क्लीयर आवाज तो आनी होनी तो शांश हो इधर उधर भजे करना है यह पेन ला दूजी कट के ना वो ला के हेडफोन ला के आवाज चेक कर फिर हले ली आ मैं कि पूछन डिया वा मेरे भैन भरा बाइबल च लिखा जिन्हें मेरे तो पहले आए वो चोर से कौन आ। तो प्रभु ने की आख्या कि मेरिया भेटा ने उन्होंने आवाज नहीं सियाणिया। पेट विच ते बकरी विच की फर्क आ एक पेट है एक बकरी आ इन्हां दोवां दे विच की फर्क आ कलीसिया। हालेलुया क्यों भाई इधरों शुरू करते हैं दसो भेट तो बकरी च की फर्क आ उच्ची बोल जरा भैन हरिंदरा भेट की करती आ भेट पैच रही बकरी मैं च रही कि मैं ही अज मेरे जीत साथियों रात मैं जो प्रेयर कर रहा मैंने प्रभु ने जून ना दिन झील ओद दस दिया है। प्रभु ने कहा वचन कल तू मीटिंग दे सुना मैं ठीक है प्रभु जी मैं डीकदा ना खुदा की कड़ी आवाज़ आँगी बाइबल की कि खुदा का आत्मा मेरे ना गल करता फिर मैं अगे पेशकश करा और प्रभु ने मैंने बोलिया कि जून ना दस दिया है रिपीट कर बेटा अज मेरा टाइटल की आ कि जड़िया यहावा दियां भेडा वा वो पराए दे मगर लिखा कि उन्होंने बोली सुन के वह नटकी आ जांदियां वा किन्ने लोग सुन दे मेरे वाल ध्यान दो सारे समा बिल्कुल राइट हो चुका वा इस समय 12:25 मेरे को 25 मिनट आ सरमन टाइम शुरू हो चुका वा क्योंकि मेरे भैन भरा भी वक्त की कदर शुरू कर दी है साडे नाल कोई वर्शिप च आ जाए कोई बाइबल दे विच आ जाए कोई एंड ते हाथ लाउणा जे वो डिपेंड होण किन्हां ते आ दुनिया दे साडे ते कोई डिपेंड नहीं है क्योंकि असीं अपना राइट टाइम बहुत दूर संडे का टच करता हूँ अगले की मर्जी जो आना कि उसकी मर्जी है आमीन। अज अपन डायरियां लिखो जी यहावा की भेड़ आ वह पराए दे मगर नहीं जाती अज भेड़ तो बकरी की पहचान होनी बकरी कि भेड़ कि जो भेड़ बन चुकी तो वो भेड़ वाले कानून होने चाहिए आ किन्ने लोग सुन रहे भेड़ विच ते बकरी विच अंतर अज आप देखना वो तो दोवां दे विच की अंतर आ किन्ने लोग सुन रहे क्योंकि सब तो पहला तुहानू बाइबल ही ब्लैस करेगा यार आवाज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे मेरा वॉल्यूम चुक दे जरा थोड़ा पिछे पता नहीं काली आवाज हालेलुया ये कहना मेरा पक्का सैट करो रामे तू पक्का मेरा इधर न करी जरा हम गोली साइड तो पक्का कैमरा सही कर दिया थोड़ा ऐसा हालेलुया बस मैं ठीक है किन्ने लोग सुन रहे मैं क्या भेडा में तो बकरियां का फर्क अच्छ वेखीए बाइबल चो हाथ नहीं लाते ती अगले बन्ने कोई सिग्नल नहीं कोई हाथ नहीं पता नहीं सुस्ती जी जिदा पई हिंदी को पता नहीं है कितने बैठे आप कि घर आए हैं व्याह नहीं वेखना है बोलते नहीं बाइबल दे विच लिखा इहदा टाइटल आ अजाली अते उसका इज्जड़। अजाली किनू कहिंदे आ अजाली आपां पास्टर नूं भी कहने आ अजाली आपां प्रभु नूं भी कहने इज्जड़ आपां कहने कलीसिया नूं इज्जड़ कलीसिया वा अज दा जिहड़ा मेरा टाइटल आ बाइबल च लिखा मेरियां भेडां पराए दे मगर की आ उहदे कोलों नट गई आ क्योंकि बाइबल च लिखा वह अजाली नहीं सी वह कामा सी लिखा कामा जदों बग्याड़ नूं आउंदा वेंदा तो भेडां नूं छड्ड के भज गई आ किन्ने लोग सुणदे आ अज जिहड़ा मर्जी कहिंदा मैं फलाने चर्च चल जाना जी मैं ढींगड़े चल जाना प्रभु ने कहा वो जाली नहीं वह कामा वा जितने तुहाडी जान ते मुसीबत बनी उहने तुहाडा फोन भी नहीं चुकना उहने अगों नट जाना वा ते बाद च तुसीं फिर फस गए
किन लोगों ने समझ लगी? प्रभु ने कहा कामा वा वो अजाली नहीं आ, अजाली बैबल से लिखा सच्चा अजाली अपन भेडा बदले अपनी जान की करता। किन लोग सुन दे जड़ा अजाली प्रभु आ उन्हें अपन भेडा लिखी दी है, तो जड़ा कामा वा तन फुलियाँ जरूर पवेगा मेरे अल आज आह कर लो, तो जिस दिन मुसीबत पै गई उदन उन्हें अगे लाग के की हो जाना? सारे बलोची वाज ना उन्हें अगे लाग के की हो जाना? फिर उन्होंने कहना हूँ किनू पास्टर नू अपने पहले ही फोन करिए कि किनू करिए हूँ पहले नू कहना किदा करिए उन्हें कहना तू आते क्यों नहीं रहे? फिर उन्हें उधर जोगा भी नहीं रहना तो उन्हें उधर जोगा भी ये की ही ये भेड़ नहीं सी ये कौन सी? बोलो उच्ची आवाज ना ये बकरी ही जड़ी चारे महीने मूँह मारती हरिया वेंदी किधर उधर तो कभी इधर जी भेट होंगी वह प्याच रही डर च रही पता हूँ मैं अपने प्रभु की हजूरी में चलना मैं बाइबल के अकॉर्डिंग चलनी चलना पैना। मैं बार बार वेखो तुम एक वचन दिता जो लूका 14:27 पढ़ते हैं प्रभु ने आखा अपनी स्लीप चुके तो मेरे मगर की आ क्या आगनी प्रभु ने तो कलीसिया सोधी जान स्लीप पास्टर के उत्ते रखनी तो आप मौजा लैनिया नज़ारे लैने लगते मेरे भैन भ्रो तुम मेहनत करनी पैनी। अच बहुत समय थावे तो इदा मजाक हो रहा मैं इन्हें बैबल ना बुला मिलते नहीं बैबल ना फिर मैं ना प्रभु इन्ना ही लेखा देना अपन इन्हों का कोई मतलब नहीं क्योंकि अच्छ जिसको 20,000 भावें 40,000 हो तो लेखा भी उन्हें की करना वा बैबल से लिखा मैं कौडी कौडी तेरे को की कराँगा। सारे बलोची वाई ना प्रभु ने कहा मैं एक एक कौडी का पुत तेरे को साफ लेना। इस करके मैं तुम्हें बार बार एक ही कहना जे प्रभु दियाँ भेडा जे तो फिर तुम एक थान टिके रहन दी की आ दरख्त नूं पुट के लोगे ना चार थावां दे हार के उन्हें होर की हो जाना सुक जाना तो बाद पुट के तुहानूं अग दे विच की कर देना। यह जिंदगी अज दे विश्वासी दी किने लोग मेरी आवाज़ नूं सुन रहे पंजाबी ठेठ मैं बोलदा बहुत सारे लोग है जिहड़े रिसर्च करदे इधर उधर। मेरे भैन भरा रिसर्च करना तो बाइबल नूं करो चंगे होना तो बाइबल ने करना। जिन्ने पास्टरां नूं चैक करोगे यूट्यूब खोल खोल तुहाडा दिमाग फट जाएगा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐ ਸਹੀ ਆ ਐ ਗਲਤ ਆ ਐ ਗਲਤ ਆ ਐ ਸਹੀ ਆ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਤਰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤਰਿਆ? ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪਲੇਟ ਰਹੇਗੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? दुल्हन विच ते मंगेतर विच की फर्क आ कोई दस सकदा? दुल्हन विच ते मंगेतर विच की फर्क हुंदा मेरे जीजो? बाइबल दे विच अज कहने लाड़ा जिहड़ा लाड़ी नूं लैण वास्ते की आ। चलो किन्नियां लाड़ियां प्रभु दियां अपने हाथ खड़े करो लाड़ियां 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 दे किन्नियां लाड़ियां हाथ लाओ हलो लाड़ियां जिहड़ियां वेरी गुड इन्नियां लाड़ियां इधरों कि लाड़ियाँ पई भाइयों में सुनो तो की करो जो तो सुन लिया ना तो हाथ खड़े करते जो तो समझो कि तो ना ना ही हाथ होने क्योंकि प्रभु बार बार एक ही इशारा दिता सुनो तो की करो। अज जे लोग घूमते फिर रहे उन्होंने एक ही कारण उन्होंने सुन लिया पर उन्होंने समझिया ये तो एक ही रीजन आ। प्रभु कहता मैं तेरे घर ही होए मैनू खोल पाड़ मैं तेन चंगा करने वास्ते की आ। नहीं प्रभु तेरे पढ़न का नहीं साढ़े को टाइम पास्टर को जाने पास्टर को जाने पास्टर दसेगा पर फिर भी तू अपने मान के उपर चलना की आ। तू ये ना सोचो कि प्रभु जी चलन दे मुसीबत नहीं आनी मुसीबत भी आनी प्रॉब्लम आनी पर तू अड़े तो खड़े रहन की कि किसी ब्लैसिंग तक खड़े खड़े रहोगे तनु घर देता तनु बच्चे देते कार गड्डी देती धन्यवाद धन्यवाद जितने सारी चीजें एक ना खोलिया फिर धन्यवाद करोगे करोगे नहीं फिर दी है करोगे वेलो प्रभु ने तुम वेख लिया मंडली चो ने चेक भी करने हूँ क्योंकि अब्राहम ने परताया प्रभु ने परताया कि नहीं उन्हों 24 साल बाद बेबी दे के 25 साल बाद फिर उन्हें कहा चल होने की मोरिया पर्वत जाके बलि की कर परताया कि नहीं इसाक दे जकूब नूं परताया कि नहीं अजूब नूं परताया कि नहीं परताया कि नहीं तुहानूं भी परतावेगा। ये तो नहीं जो मान लो उन्होंने ब्लैसिंग मिल जाती बड़े खुश चेहरे खुश तो जदों दो चार चीज़ा रोक दियाँ तो उदन चेहरे ते बंब चलिया होना जिदा मूँह ते है बंब चल गया बंब फट गया ए हो गया जे हो गया
पर अजूब सदा ही अड़ा और खड़ा रहा। अजूब ने की बोलिया, जो अजूब की घर की कहनी तू अजे भी खराई में चलेगा, फटकार दे मर जा। उन्हें की बोलिया, तू केड़ियां चलियां तीवियां चौकी कर दी। उन्हें कहा, जो चंगा देंदा उदो चंगा सी? आंदा चंगा चंगा आप लईए तो माड़ा ना लईए। कभी हो सकता लिखा पूरी जिंदगी उन्हें कभी भी अपने मुँह चो पाप नहीं सी किया, कभी वल छालो दे मुँह विचो। किन्ने लोग सुन दे रिसीव कर दे प्रोफेसी, दुखा नू भी रिसीव करके चलना। बैबल च लिखा एलिया साडे वांगू दुख सुख भोगण वाला कौन सी? जे मसीह दे विच जिहदे मुसीबतां तुहानू पहलों मिलनियां मेरे भैन भराओ, क्योंकि ताई मैं कहा भेड ते बकरी की पहचान जिहड़ी प्रॉब्लम पैण ते पता लगता कि किन्ने लोग खड़न वाले अगली साइड ते। हुण बैबल च लिखा जो प्रभु ने क्रूज चुकिया, जो प्रभु ने सलीब ते फड़ाया जाना सी, प्रभु ने पतरस नू की आख्या? पतरस ने आख्या सारे भज जाणगे पर मैं तैनू कदी भी छड्ड। प्रभु ने की कहा? प्रभु ने कहा, जो मुर्गे की बांग देन दे पुत तू तीन बार मेरा इनकार किया, अड़ा खड़ा रहा। आओ बोलो तुसी हाथ करने वाले किदा खड़े रहोगे? तुम तो जो उड़े का भी नहीं पता की करोगे तुसी। वो परमेश्वर का दास सी, परछावे दे नाल मुर्दे जिंदे हुंदे सी, तुहानू की पता जे? बाइबल च तां ही लिखा सुनो ते की करो। पवित्र बाइबल दे विच जदों तुसी करंथियां 10 ते पढ़दे, बाइबल दे विच लिखा संचेत होवो, जड़ा कोई अपने आप नूं खड़ा समझदा कितें डिग। किन्ने लोगों ने समझ लगन दी आ? प्रभु ने आखा संचेत रह, खड़ा रह, तेनों पता नहीं तू कड़े वेले डिग जाना। यो कहना कि प्रभु मैं खड़ा रह सकता, तेरी दया मैनू खड़ा रख गई आ, मैं चर्च आ सकता, तेरी दया मैनू लैके आ गई आ। मैनू नहीं पता प्रभु, तू जानता, तू मैनू लिया गई आ। इस करके मेरे भैन भरा जद भी कोई गल सुनी उन्हूं ध्यान दे के की करना? मैं तुहानूं पुछा मगेत्र विच ते दुल्हन दे विच की अंतर आ? कोई मैनूं दस सकदा अपना हाथ खड़ा करके? जिन्ना उदन सीख्या नहीं उस तो अलावा, जिन्ना मेरे को सीख्या उदन रात वो नहीं नाइट वाली नहीं, होर कोई दसो, कोई दसो पिछली साइड से मगेत्र विच ते दुल्हन दे विच दोनों च की अंतर आ? अज आप सारे कहने आप प्रभु दियां लाड़ियां वा। जदों इंगेजमेंट हुंदी आ उदों जिहड़ी जनानी बंदे दे घर नहीं गई, अज उन्हां दा की होया? अज रोका आया। जे तुसीं बपतिस्मा लिया, तुसीं चर्च अटेंड कीता, इह सिर्फ तुहाडा रोका ही की आ? दुल्हन तुसीं उदन बनना जिदन तुसीं स्वर्ग विच की करोगे। अजे तुसीं मगेत्रां जे, अजे कोई भी दुल्हन है? समझ लगी कि नहीं लगी? समझ आई तुहानूं? भैन भराओ समझ लगी मैं की कहना? दुल्हन कड़ी आ? दुल्हन उन्हूं कहिंदे आ जिहड़ी अपने घर वाले दे घर की हो गई आ। जदों इंगेजमेंट हुंदी उदों दुल्हन हुंदी हो? सारे बोलो पता नहीं कोई रिश्ते विच चार साल मंगया तो फिर पंगा नहीं पैना? नहीं नहीं नहीं, चढ़दी चढ़दी है, कोई नहीं करना। हुण होर ही कोई की आ? इहदा मतलब दुल्हन कदों बनदी आ? जदों ओह अपने स्वामी दे घर विच की करदी। तुसीं सारे अजे कौन जे? अजे मंगेत्र। आपां मंगे हाँ अजे कदों? जदों प्रभु आएगा सानूं स्वर्ग च लैके जाएगा, फिर आपां उहदी दुल्हन की करांगे? किन्ने लोगों ने समझ लगी? रैसल कर रहे दुल्हन जी? रैसल रूसल चल रही थोड़ी? क्यों बई? अमीन वेलो कि प्रॉब्लम आ, कि नहीं पता दुल्हन कौन आ, मंगेत्र कौन आ? यदा की मतलब मेरे भैन भरा तुम चल रहे पर तुम यही नहीं पता कि होना कि आना? चलो सारे जूना दी अंजील दे विच चलांगे आपां। अज भेड़ ते बकरियां की पहचान आप करांगे। भेड़ कड़ी है मेरे जीजो? जड़ी पराए दे मंगर, पराए दे मंगर। बस फिर अज भेड़ हो जे सब खोलांगे जूना दी अंजील उहदा 10 नंबर चैप्टर, उहदी आपां फस्ट तो पढ़ लांगे। हाँ जी, जिन्हें कट दिता अच्छी आवाज में पढ़ दो, बाकी आराम ना सारे देखो। अज आप की सीखने जा रहे भैन भरा पता लगा? अज जो तुम घर जाना ना अपने घर जाके गल करनी कि मैं अच्छे भेड़ के बारे सीख के आई हाँ कि भेड़ कौन आ। भेड़ वो जी भेड़ चढ़ाती आ धनवाद का, भेड़ वो जी सुबह उठ के प्रेयर करती आ, भेड़ वो जी दूसरे लोगों अगवाई की करती आ। कहने लोग सुन दे, भेड़ वो नहीं जी सुती रही, भेड़ो नहीं जी सुस्ती पा के पेंदी आ, भेड़ो नहीं आ जी दूसरों तो नफरत
कर दिया। पेड़ कौन आ जड़ा परमेश्वर दे अज प्रभु की भेट वेखन जा रहे हैं। हाँ जी पढ़ दो। मैं तुहानू सच सच आखदा हाँ कि जेड़ा भेड़ा दे बाड़े विच बूहे थानी नहीं वड़दा पर होर पासियों चढ़दा है वो चोर अते डाकू है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु किन्हां नू कह रहा अपने चेलियां नाल गल कर रहा। प्रभु ने आखिया मैं तुहानू सच सच आखदा हाँ कि जेड़ा भेड़ा दे बाड़े विच बूहे थानी नहीं वड़दा पर होर पासियों चढ़दा है वो चोर तो की आ। मान लो पास्टर तुहाडे घर आउंदा बूहे थानी जे रात नू कंध टप के तुहाडे घर थानी आवे तो की होएगा बोलो चिवाई ना। फिर कंध टप के कौन आउंदा शैतान। ये चोर उहनू कहा गया कि चोर आ। तो प्रभु ने कहा स्वर्ग का दरवाजा मैं वा भेडा का दरवाजा भी कौन आ मैं वा भेडा कलीसिया वा चोर कौन आ शैतान। प्रभु ने दसा ना अपने चेलियां नू मैं तुहानू सच आखदा हाँ कि जेड़ा भेडा दे बाड़े विच बूहे थानी नहीं वड़दा पर होर पास्यो चढ़दा है वो चोर अते की आ। तेने लोगों ने समझ लगन दी चोर ते की आ। अज आप चोर ते डाकू की पहचान करना चोर कौन ते डाकू कौन आ। हाँ जी अगली साइड। पर जेड़ा बूहे थानी वड़दा है वो भेडा दा अजाली है वो दे लई दरबान खोल दिंदा है। दस्या कि जेड़ा बूहे थानी वड़दा है तो भेडा का की आदे दरबान खोल दिता कौन क्योंकि मेरे जीजो ये सिर्फ भेडा वास्ते तो अजाली वास्ते बूहा जरा स्वर्ग का की किया खुलिया बकरी वास्ते नहीं खुलिया तो ना चोर तो ना डाकू वास्ते की आ। कि मेरे वाल ध्यान दो हूँ अच्छ जो वचन चलेगा तो बच्चों कई वेखी मिर्चा भी बड़िया लगनिया वा क्योंकि जख्मों के लूण अच्छ पूरा डिगना बैबल ने सुटना। जे मैं हीटर की गल कहती भेड़ हीटर भी लाइदी आ तो है भेड़ आओ तो लाने की डी आपे वेखो हम मिर्चा डिगनिया चुगली लाती हूँ कहने मास्टर आने के बिना कर हीटर लगता। मेरे भैन भ्राओ जे भेड़ जे तो फिर भेड़ वाला जीवन जियो क्योंकि तुम चर्च तो आ रहे पर एक दिन फिर की होएगा कितने जाओगे। मान लो एक पास्टर तुहाडी प्रोफेसी नहीं करता तुहानू दसदा नहीं तुसीं की करदे इहदा मतलब तुहानू पास्टर का डर आ तो जिहड़ा तुहानू रोज मिलदा उहदा तुहानू कोई भी डर। कितने लोग सुन दे इमानदारी एक बड़ी वड्डी की आ चीज आ जे कुछ समझे तो मसीहा वाली की आ रीत है। मेरे भैन भरा ईमानदार बनना पैना एक दुकानदार हुंदा ते एक ईमानदार हुंदा जिहदे दुकान च सौदा कौन आ वो कौन है भाई उच्ची बोल दो उच्ची क्यों नहीं बोलते जिहदी दुकान में सौदा कौन आ दुकानदार ते जिहदे कोल ईमान आ वह कौन आ समझ लगी कि नहीं लगी। तो मैं कहा जे भेड़ ते बकरी नूं आपां लभणा वा जे भेड़ां ते बकरियां की पहचान होनी अज छज च पा के प्रभु ने छटने किनिया भेडा किनिया बकरियां। मेरे भैन भरा मैं तुहानू भेड़ बकरी नहीं कहता जे तुहाडे अंदर दुष्ट वड़िया वा जे तुहानू चोरी करन लई बोलता जे घर वाले दे पैसे कढ़न लई बोलता जे तुहानू गवांढियां दी चोरी चीज करन लई बोलता कुंडी कनैक्शन लाउण लई बोलता तो समझ लो अजे तक आपां भेड़ बोलदा भी भेड़ नहीं प्रभु तेरी अजे अजे शैतान दीआं बकरियां वा ई क्योंकि गल किहदी मन रही वा बोलो उच्ची आवाज उच्ची क्यों नहीं बोलता तुहाडे गले छोटे आ बोलो उच्ची आवाज ना वच नहीं आया जो खुलने आवाज निकलनी कितने आ ये तो बोलती बंद करा हाँ पास्टर की तो कलीसिया बेचारी की बोलूगी आमीन। और मेरे जी साथियों अज का टाइटल की आ अज की भेड़ की परख करो ये ना वेखो 20 लाख लोग या 40 लाख लोग आ प्रभु ने 10 लोगों ही प्यार करना जो ईमानदार हो गए। तुम पता पवित्र बाइबल च लिखा नूह के समय जो जल परलवाई आ तो सिर्फ नूह का परिवार ही धर्मी दिखे बाकी सारे क्यों नहीं दिखे। इधर मेरा ध्यान गो लिखा कि पंजाबी गाने तो भंगड़े पाते ही नचते नाच रंग करते विह शादियाँ करते बिजनेस करते तो जो तो प्रभु के दास नूह नू बोलिया कि 40 दिन तो 40 रात वर्खा होएगी तो अपने की कर किश्ती की कर किन्ने लोग किश्ती तैयार कर रहे नूह दी नू किन्ने घर तैयार कर रहे की हो गया तुहानू भाई पहलों इतने आने के पता लगता मैं फलाने पास्टर को जाना मैं क्या तू पास्टर छड के भावें पास्टर के पोप को चल जा पोत चंगा किने करना ही आई मेरे हाथ च चंगाई बेईमानी नहीं छोड़ोगे तो पास्टर बदली जाओ पास्टर बदलने का कोई भी फायदा वह फलाने को फायदे बड़े होंगे फायदे लै जाओ तो एंड के बाद नरकों में की करो ते गड्डिया भी नरकों ही चलन गिया एसी भी नरकों ही चलन गए सिर की जी डाई चिट्टियां तो गाले गए तो भी नरकों ही चलन गए
समय लगन नहीं नहीं जिथे करा प्रचार नहीं नहीं आना हाँ ना आया क्योंकि तू उस दरख्त से चढ़ा तू आरी की कर रहा तू नहीं चाहता कि मैं जिंदगी जावा मेरे भैन भ्राओ जिते सिकताई आ उ लोग नहीं आने तो प्रॉब्लम पास्टर की नहीं आॉब्लम कि आ सवेरे टीका इधर न शामा टीका इधर न एक ग्लूकोज सवेरे एक ग्लूकोज शामी इस तरह पूरी जिंदगी की हो जानी है हाए लत टुट गई सवेरे चंगा भला गया ही आ हो गया क्योंकि पास्टर बदल दिता अपन पास्टर वो चाहिए जोड़ा सानू कुछ भी ना कहे जोड़ा बाइबल की ताड़ ना बना दे कुछ ना बोले इदा करे तो सारा काम इदा की आंड तो फिर पूछना किनू आ बोलो पास्टर नू पूछना ना तो फिर भेड़ तो बकरिया की पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि खुद प्रभु यसु की कह रहे कि मैं अच्छा अजाली मैं हाँ अच मेरे भैन भरा जो तागूवा सही आ जो कलीसिया उन्होंने गलों नहीं मानती कलीसिया मजाक वाला जीवन जीना चाहती तो फिर वो मर्जी आ क्योंकि जे तुम वफादारी ना चलोगे तो प्रभु ने सिर्फ ईमानदार लोग पसंद आ क्योंकि खुद ईमानदार आ प्रभु झूठ बोलता चलो दसो दी क्यों कलीसिया प्रभु यसु कभी झूठ मारदा प्रभु यसु हेराफेरी करता प्रभु पास्टर के नाल झूठ बोलता कलीसिया क्यों पास्टर ने झूठ बोलती है मेरे भैन भरा मैं तुम्हें बार बार एक ही गल कहना जो बाइबल च लिखा बाइबल के विश्वासी बनो मजाक वाले मसीह ना बनो क्योंकि अंत के समय च बाइबल च लिखा बहुत सारे लोग जिहड़े चलदियां नूं भलेवें विच की कर देणगे उन्हां वी भुलेखे खाने रे बड़े भुलेखियां जाने लोग जिहड़े बाइबल पढ़ते होणगे गैर भाषावां नूं बोलते होणगे तो जो पता लगेगा कि कित्थे गए होणगे जिथे कोई है ही कख नहीं है तो उत्थे हुण भंगड़े पै रहे हैं मेरे भैन भरा बाइबल की परख करो बाइबल फड़ के तो अपने आप में जाचो मैं भेड़ हाँ कि बकरी हाँ मैं सौंदे समय प्रेयर करती हाँ सवेरे उठते समय प्रेयर करती हाँ मैं भांडे मांजन तो पहले झाड़ू लाने तो पहले प्रेयर करती हाँ मैं एक घंटा उठ के प्रभु दें मैं रात को सोन लगे प्रेयर करती हाँ मैं अपनी फैमिली लिए प्रेयर करती हाँ मैं अपने अगुए लिए प्रेयर करती हाँ मैं अपने चर्च लिए प्रेयर करती हाँ आया भेड़ करो कि भेड़ा वा ये काम करने वाली हाथ हाथ लो हाथ लो जड़ियाँ प्रेर कर दियाँ बाकी क्यों नहीं करते हूँ वेखो तुम ये ना कहो असी बकरियाँ तुम अज ही वचन सुन के अपने आप में सुधारो प्रभु तुम भी भेड़ा की करेगा तो जे तुम कहना चल जाने संडे चेक कर लिया कोई काम पै गया पास्टर को प्रेयर करा ली तो अपनी जिंदगी लिए कुछ नहीं किया लिखा दो चार दिन की खेड़ कुल